अस्सलामु अलैकुम। आज मैं फूड बुक बाय इकरा में लेकर आई हूँ मज़ेदार से चिकन आलू के चपली कबाब की रेसिपी। बहुत ही कम टाइम में ये आलू के चपली कबाब रेडी हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी से ये बनते हैं। वो लोग जो बीफ या मटन पसंद नहीं करते वो ये चिकन आलू के चपली कबाब ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी तो आलू चपली कबाब बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनमें मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, 2 चम्मच मैंने चिकन का कीमा लिया है, 1 कप मैंने मैदा लिया, 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे उन्हें इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया मैंने, 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज लिया है ये जिसे चॉप कर लिया, 4 अदद मीडियम साइज़ की हरी मिर्च लेके उन्हें चॉप कर लिया, 1 चम्मच मैं अदरक का पेस्ट लूँगी, आधी चम्मच में लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ और आधी चम्मच ही नमक यूज़ कर रही हूँ। आप नमक और लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें यूज़। आधा चम्मच में अजवाइन लूँगी, आधा चम्मच ही गरम मसाला, 1 चम्मच में साबुत धनिया लूँगी, आधा चम्मच में ज़ीरा लूँगी और आधा चम्मच ही चाट मसाला लूँगी। जी तो अब अलग से एक पानी का बाउल लेंगे, आलू लूँगी मैं और उसे क्रश कर लूँगी। ये देखिए जी, तो ये देखें इसी तरह से मैं सारे आलू क्रश कर लूँगी। अब मैं इनको 1 से 2 दफ़ा साफ पानी से धोऊंगी और फिर अच्छी तरह से खुश कर लूँगी कि थोड़ा सा पानी भी बीच ना रहे। जी तो ये देखें आलूओं को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क कर लिया, बिल्कुल हम इसमें पानी नहीं रहने देंगे, इससे हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। अब प्याज शामिल करूँगी मैं, अदरक पेस्ट, हरी मिर्च, चिकन शामिल करूंगी मैं, गरम मसाला, चाट मसाला, अजवाइन, नमक, धनिया, ज़ीरा और एंड में लाल मिर्च पाउडर, और अब साथ में मैं मैदा शामिल कर रही हूँ और अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं शामिल करेंगे, इसी तरह हम को मिक्स कर लेंगे। जी तो मसाला मैंने मिक्स कर लिया, अब थोड़ा सा हम यूँ लेंगे हाथ पे, अच्छी तरह से कबाब की शेप दे लेंगे। ये देखिए, और जो टमाटर है ये ऊपर यूँ, और जो टमाटर है यूँ रख, हम इसको रखेंगे नहीं, साथ ही फ्राई करते जाएंगे। पैन में मैंने ऑयल शामिल कर लिया था, चूल्हे की फ्लेम हम मीडियम लो पे रखेंगे और जो कबाब हमने बनाए हैं तो अच्छी तरह से करके ये जिस साइड पर हमने टमाटर का स्लाइस लगाया है वो साइड हम यूँ नीचे रख देंगे। ये देखिए इसी तरह से 2 से 3 मिनट हम उसी साइड पे फ्राई करेंगे। जी तो तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं साइड चेंज करूंगी। ये देखिए कितना मज़े का कलर आया, ये बहुत टेस्टी और मज़े के बनते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दोबारा से 2 मिनट में दूसरी साइड पे फ्राई करूंगी। जी तो ये देखें मज़ेदार से आलू चिकन के कबाब हमारे रेडी हैं, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी एक एक करके और इसी तरह मैं बाकी रेडी करती जाऊँगी। जी तो रेडी है मज़ेदार से चिकन आलू चपली कबाब। देखिए अब बाहर से ये जितने क्रिस्पी लग रहे हैं अंदर से ये उतने ही सॉफ्ट बनते हैं। तो देखिए आप ये बहुत ही मज़ेदार से और टाइम सेविंग कबाब की रेसिपी है ये। आप एक दफ़ा से ये चिकन आलू चपली कबाब जब ट्राई करेंगे तो बाकी सारे कबाब भूल जाएंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।